दोस्तों आज हम एक ब्रह्मचारी के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। नाम मैं उनका जो है बाद में बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी कहानी है। एक बार ये ब्रह्मचारी जो स्वामी जी हैं, ये भ्रमण पे गए हुए थे, विदेश गए हुए थे। वहां पर उनकी भेंट एक विदेशी महिला से हुई, ठीक है। एक विदेशी महिला उनसे मिलने आई थी वहां पर, और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो विदेशी महिला ने वो ब्रह्मचारी जी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस पे वो ब्रह्मचारी जी ने जो है रिप्लाई दिया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, अखंड ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद महिला ने कहा कि मैं आपसे आप ही की तरफ तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ, ठीक है, आपसे आप ही की तरह तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। तो इस पे स्वामी जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बड़ा ही शानदार उत्तर दिया। इससे हमें भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आप मेरी तरह ही पुत्र चाहती हैं, तो आज से मैं आपका बेटा बन जाता हूं और आप मेरी माता। तो ये जो ब्रह्मचारी जी के मुंह से जो विदेशी महिला ने सुना, वो भाव विभोर हो गई, उसके आंखों में आंसू आ गए कि क्या है ये, कौन है ये, क्या लेवल है इस इंसान का। इतनी इज्जत भर गई उस महिला की आंखों में, वो उनके पैरों में गिर गई कि आपको मतलब कहना आपको सल्यूट है कि मतलब इंसान के अंदर की भावना कितनी अच्छी है। अगर ऐसी भावना इंसान रखे ना, तो कोई भी आग मूंग के ऐसे इंसान भरोसा कर ले। ये ब्रह्मचर्य की ताकत ही है दोस्तों। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है स्वामी विवेकानंद जी। हाँ, ये वो विवेकानंद जी हैं जिन्होंने 700 पेजों की किताब एक घंटे में पढ़ ली थी। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। हम नहीं कहते दोस्तों कि देखिए हम उनकी जितना लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन उनके किंचित अंश मात्र भी अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो सफलता के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और इस कहानी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जब तक हम ब्रह्मचर्य में हैं, महिलाओं को, जो भी अनजान लड़कियाँ हैं उन्हें अपनी बहनों की नज़रों से देखें, माताओं की नज़रों से देखें, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई आप खूब आगे चल के ब्रह्मचारी बन जाइए या कहीं पर जाकर कुछ भी आप पहाड़ों में चले जाइए, मैं ऐसा कतई नहीं कहता, ठीक है दोस्तों। तो अपने ऊपर जो है पूरा विश्वास रखिए। बाकी जब आपके आगे संतान प्राप्ति के लिए जब आप क्रिया करेंगे, उसके बाद फिर आप फिर से ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।